हेलो गाइज, नमस्ते जी, जुले, वेलकम बैक टू हिमालयन फैमिली मैन एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो गाइज, फाइनली इतने सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और पिछले करीब 10 सालों से हम हर साल ये प्लानिंग करते थे कि इस साल हम इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे, लेकिन हर साल किसी न किसी कारण से हमारा प्लान अधूरा रह जाता। गाइज, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट ट्रैक्स में से एक, श्रीखंड महादेव ट्रैक। एंड आई वॉज वेटिंग कि इस ट्रैक का मैं व्लॉग बनाऊँ। तो गाइज, फाइनली ये ट्रैक मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ अपने कजन्स के साथ, राजीव कायत एंड करण कायत। तो व्लॉग शुरू करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। आप श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करें और व्लॉग को एंड तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। गाइज, टोटल ट्रैक 32 किलोमीटर्स का है और नियर बाय सिटी की अगर बात करें तो रामपुर सिटी है। रामपुर से बागीपुल का डिस्टेंस है 34 किलोमीटर्स। दैन बागीपुल पहुंचने पर आपको बागीपुल से जाओ लिंक रोड पर जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ दूरी पर एक लिंक रोड आता है जहां से बागासरान के लिए अलग से रोड जाता है और सीधा आगे की ओर जाओ रोड जाता है। और बागासरान की ब्यूटी के बारे में तो सभी जानते ही हैं। तो गाइज, बागीपुल से जाओ की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर है। देखिए गाइज, हम लोग पहुँच गए जाओ। तो यहाँ से हम लोग ये अब आगे जा रहा है, जहाँ तक रोड जाएगा वहाँ तक हम गाड़ी में जाएंगे। तो चले गए, हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है, धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ। तो अब जाओ से थोड़ा सा आगे क्या बोला, भड़िंगसा नामक जगह है, तो वहाँ तक गाड़ी जाएगी और वहाँ से हम अपनी जो पैदल यात्रा है वहाँ से शुरू करेंगे। और महादेव गाइस, तो गाइस हम लोग पहुँच गए भड़िंगसा। तो बड़िंगसा से आगे अब गाड़ी नहीं जाती है, तो यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हम लोग चल पड़े हैं बड़िंगसा से, अब पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी है। ओ तो ये देखिए गाइस, तो 14 जुलाई से जो ऑफिशियली यात्रा शुरू हो गई श्रीखंड महादेव की। तो देखिए यहाँ पर लंगर सेवा, तो लंगर 14 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा। देखिए तो गाइज़, हम लोगों ने जो भड़िंगसा जगह है वहाँ से शार्प 8:30 AM हमने अपनी जर्नी शुरू की है। तो देखते हैं, हमारा टारगेट है आज का पार्वती बाग पहुँचने का। तो ये देखिए गाइज़, हम लोग पहुँच गए सिंगाड। तो यहाँ पर देखिए भगवान शिव शंभू की देखिए प्रतिमा है बहुत बड़ी, और यहाँ पर भी आप दर्शन करें सबसे पहले। तो गाइज, यहाँ पर सिंगाड में प्रशासन के द्वारा देखिए तैयारी जोरों शोरों पर है। यहाँ पर जो मेडिकल हेल्थ कैंप है वो लगाया जाएगा और साथ ही साथ पुलिस की यहाँ पर चेक पोस्ट रहेगी। सभी यात्रियों का यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाएगा और सभी का हेल्थ मेडिकल जाँच की जाएगी कि ताकि किसी को कोई जैसे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है तो ये सब दिक्कत ना हो। सिंगाड़ में आपका सबसे पहले जो इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर पुलिस के जवान और मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर की टीम और साथ में सेक्टर ऑफिसर नियुक्त रहेंगे। ये देखिए गाइज, ये सिंगाड़ की एक छोटी सी मार्केट है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आप श्रीखंड महादेव के लिए प्रसाद जैसे त्रिशूल, डमरू और धूप अगरबत्ती और चढ़ावा आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और यात्रा से लौटते वक्त आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं गाइज। तो गाइस देखिए, हम लोग पहुंच गए बराटी नाला। तो ये आपका जो सिंगाड़ है, सिंगाड़ के बाद जो अपना पड़ाव है वो है। ओह माय गॉड, करण तू कह रहा था ना 4 किलोमीटर चले भाई, अभी 28 किलोमीटर है यहाँ से श्रीखंड कैलाश। अरे अरे अरे, ये देखिए गाइस, ये लोग पटना से आ रहे हैं, पटना से बिहार, पटना देखिए श्रीखंड महादेव जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है भाई?
ब्राटी टॉप। अच्छा अच्छा ये है ब्राटी टॉप, नीचे ब्राटी नाला, ये ब्राटी टॉप। अरे अरे तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं ब्राटी टॉप, पीछे था ब्राटी नाला, ये है ब्राटी टॉप। और अभी ब्राटी टॉप से आगे ये जगह आएगी भाई, क्या जगह आएगी आगे? कुंभाधार, कुंभा। अच्छा कुंभा के बाद आएगा फिर एक और, क्या बोला था, थाचड़ू। थाचड़ू के बाद काली टॉप, और गाइस काली टॉप के बाद पार्वती बाग। तो हमने बड़े भाई से यहाँ पूछा कि आज हम पार्वती बाग पहुँच जाएंगे, तो बड़े भाई ने कहा कि मुश्किल सौ में कैसे होगा। हम सोच रहे हैं कि आज हम दिखाएंगे अपना जोश बोले की कृपा से, जहाँ हम पहुँचेंगे जी देर अच्छी बनाती दे थाची, हम इसी फॉर्मूले को आज अपना आगे चलेंगे। चलो कोशिश करेंगे भीम द्वारी तक तो हम पहुँच जाए। भीम द्वारी भाई जी पार्वती बाग से पहले आएगा ना, या भीम द्वारी या फिर हम पार्वती बाग ही निकलेंगे। नज़दीक से दिखाओ यार, देखो मैं जब दूसरी बार आए हैं ना। जय शंकर, हर हर महादेव, जय भोले। तो गाइज अभी बहुत ऊपर जाना है टॉप में, और सच में गाइज मतलब रियली बोलते ना श्रीगढ़ महादेव का ट्रैक सबसे टफ ट्रैक है। सच में ये लग रहा है कि अब टफ है भाई, तो टांगे जवाब देने लगी। अभी तो कितना आई थिंक हम लोगों ने तकरीबन 8 किलोमीटर चला, अभी नहीं 26 था नीचे ना, 26 किलोमीटर आता, 7.5 किलोमीटर हम लोगों ने चल लिया अभी। लेकिन अभी तो बहुत, मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग पार्वती बाग पहुँच पाएंगे। चलो देखते हैं भोले की कृपा से कहाँ पहुँचते हैं भाई। यहाँ क्या बोलते हैं, खुम्बा, खुम्बा, ये छोटा खुम्बा, छोटा खुम्बा तो नीचे बोल रहे थे नीचे वो और जो खुम्बा ये वैली आती है जो ये बड़ा बड़ा थे ज्यादा खुम्बा एरिया। अच्छा अच्छा ये है खुम्बा एरिया, ओके। अच्छा भाई जी ये बताओ ना इसके बाद क्या आएगा, एक बोलते 30 बिल। हां एक 30 बिल, उसके बाद थाचड़ू। 30 बिल इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है 30 बिल, उसके बाद थाचड़ू, उसके बाद थाचड़ू, थाचड़ू के बाद फिर थाचड़ू के बाद आए फिर काली टॉप। काली टॉप वो है थाचड़ू के बाद है काली टॉप, काली टॉप से फिर नीचे फिर भीमतलाई, भीमतलाई फिर कुंशा वैली, उसके बाद भीमद्वार, अरे उसके बाद भीमद्वार, तब जाके पार्वती बाग। तो भाई सब मौसम श्रीखंड महादेव, ओ मौसम भाई जी मौसम। हाँ जी भाई जी पहुँच सकते फिर हम पहुँचेंगे, हम क्यों नहीं पहुँचेंगे पक्का। चलो चाय बन रही है यहाँ पर, देखिए आप लोग आ गए हैं दर्शन करके कि जा रहे हो अभी? अच्छा जा रहे हैं, क्या बात है, कहाँ से हैं आप? हम लोग कलकत्ता से। कलकत्ता से, अरे वाह पहली बार, पहली, क्या बात है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फिर, मिलते हैं आप लोगों से ऊपर, है ना, ओके आराम आराम से आओ आप लोग, है ना। चट कर दी जी थर्मस है। करण भाई जी कैसा लग रहा है? ये देखिए गाइस पराठे, अरे अरे ये लाया करण ने गाइस पराठे, इसमें अंदर ना मक्खन का, मक्खन की स्टफिंग है गाइस, बहुत ही आपने सुना, मेरे गिलास में आपने मक्खन के साथ पराठा खाया होगा लेकिन मक्खन की स्टफिंग नहीं खाई होगी। देखो ये है गाइस मक्खन की स्टफिंग, बहुत मजा आने वाला है। भाई साहब अब तुम दोनों ना 2 किलोमीटर पीछे और मैं 2 किलोमीटर ऊपर आगे रोटी खा के, तो यार शांति देखो ना कैसी है ना, बिल्कुल शांत, सिर्फ पक्षियों के साउंड आ रही गाइस, बहुत मधुर। जीपरी जीपरी होती नहीं लंबी पहुंच जाएगी जिंचरी से ले। तो चले गाइस अब हम लोगों ने पराठे खा लिए हैं बढ़िया मक्खन की स्टफिंग के, और हमारी जो खुमानी होती है उसके उसके बेड़े उसके <भी। laughs> तो चले गाइस अब चलते हैं अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है और जगह जगड़ी को थोड़ा ठंडा हो गया गाइस, अब धुंध होगी पूरे चारों ओर। तो यहाँ से अब सीधा अब हम जब तक काली टॉप नहीं पहुँचते हैं तब तक हम सीधा कंटिन्यूसली चलेंगे। अब जय शंकर गाइस, अभी खाना खाया है तो बूस्ट अप हो गए हम, बहुत एनर्जी मिली गाइस, सीरियसली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गाइस कैंडी खिलाते हैं आपको, भाई कैंडी खाएगा? नहीं ले ले एक, नहीं Thank you.
गाइस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें अपने रेनकोट निकालने ही पड़ेंगे। अरे मैं यही हूँ आप आपसे मैंने जा रहे हैं वहाँ कम हो गई है बैग डालना था अंदर। हाँ यार क्या गाइस बारिश शुरू हो गई। देखिए ये देखिए गाइस धुंध और हम लोग इतनी हाइट पे आ गए ना गाइस बहुत ही ज्यादा हाइट पे जबरदस्त जबरदस्त मस्त ये मस्त गाइस 8 किलोमीटर में जो ये था ना जो हम वहाँ नीचे से आए हैं ना अभी धुंध है नहीं तो आपको दिखा दे कितने डाउन से आए हैं वो नीचे रिवर दिख रही है वहाँ पे दिखिए देखिए वहाँ से आए हम नीचे से। सीरियसली ये वाला पॉइंट था ना बहुत टफ था। ये भी एक कैंपिंग साइट है देखिए यहाँ पर 24 किलोमीटर और है अभी गाइस देखिए इसमें ना करेक्शन करने का हो गया क्या हे इनका कुछ ठीक नहीं है सही में यार इतना चल लिया इनका किलोमीटर को ज़्यादा लंबा हो रहा है पॉप सारा ओम नमः शिवाय। गाइस हम लोग पहुंच गए 30 बील तो 30 बील का पानी ठंडा ठंडा पानी स्टनिंग व्यू गाइस गाइस सबसे पहले तो दिमाग में थी डंडी धार तो डंडी धार हम लोगों ने ना क्रॉस कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगा कि डंडी धार जो पार्वती बाग है कि वहाँ से ऊपर होगी डंडी धार तो मैं काफ़ी डरा था कि डंडी धार हमें थका देगी कल लेकिन डंडी धार तो यही थी जो 30 बील से नीचे वाली जो नीचे से मतलब आपका बराटी नाला से 30 बील के बीच का जो स्पेस है जो ट्रैक है वो है गाइस डंडी धार और सीरियसली बहुत टफ बड़े भाई जी कौन सी जगह है ये थाचड़ू शुरू है बीचो बीच नीचे थाची और थाची के बीच ओके बोलो बोले बाबा की जय जय हो शंकर। ये गाइस बारिश भी हो रही है तो हर ट्रैक में आपने देखा होगा बारिश तो होती ही है तो बस हम लोगों का भी भोले बाबा ने देखिए शुद्धिकरण कर दिया। देखिए उम्मीद करते हैं कि जैसे हम आई थिंक ऑलमोस्ट हम थाचड़ू के पास पहुंचने वाले हैं तो काली टॉप से व्यू अच्छा हो और थोड़ा सा धुंध हट जाए ताकि चारों ओर का व्यू हम आपको दिखा सके पैनोरमिक व्यू। चलिए बहुत मज़ा आ रहा है बहुत और गाइस हम लोग पहुँच गए थाचड़ू आपको दिखाते हैं थाचड़ू का व्यू। ये देखिए ये हम पहुँच गए थाचड़ू देखिए वाह सुंदर गाइस ये टेंट से टेंट से गाइस देखिए हाँ आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। हाँ और हमारा टारगेट भी इस बार यही था कि जो ऑफिशियली पिलग्रिमेज शुरू होनी है तो उससे पहले हम लोगों ने यात्रा करनी थी तो ऑफिशियली यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो रही है क्योंकि उसके बाद ना गाइस क्राउड हो जाएगा तो हमारा टारगेट था कि हम क्राउड होने से पहले ही हम शेखर महादेव के दर्शन कर लें। ये देखिए गाइस बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल वाह यहाँ भरते हैं गाइस पानी वहाँ पीछे जो हमने 30 बील में पानी भरा था ना उस पानी में काफ़ी मिट्टी थी गाइस ये देखिए ये पानी बिल्कुल साफ है देखिए इसको भरते हैं आप रास्ते में प्यास लगी तो हम लोगों ने वही पानी पी भी लिया
देखिए प्योर हिमालयन वाटर गाइस, देखिए यही असली एक्वाफिना। अच्छा। मारो गौरव ओकनी काड़ा काड़ा कला ईश्वर सुन दे कला ईश्वर शमाणी तार गौर की दीजिए रिश्तेदार पता बड़ा स्कोप है आज से कम से कम कोई 15-16 साल पहले कनौट पढ़ाई था मैं रिश्तेदार। तो री दके बे आगो आज तुम्हारा टारगेट तो पार्वती बाग। चलो मैं मैं उजा मैं ना तो बैठा बैठा कोई बात नहीं धन्यवाद जी ये बिना ना उजा ना जी। गाइस यहां पर देखिए आपको मिलवाते हैं कोटद्वार से आए हैं पौड़ी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड से देखिए हिमाचल देवभूमि में। तो सब लोग अभी सिंगार से चले हैं पिछले कल तो आज ये भीमद्वारी तक जाएंगे और इन्होंने हमारा वीडियो भी देखा है तो हमने इनको ये भी कहा है कि श्रीखंड महादेव का भी हम व्लॉग डालेंगे। तो जल्द मिलते हैं आपसे कभी, आप लाहौल स्पीति भी जरूर आइएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हर हर महादेव, जय शंकर, आपकी यात्रा शुभ हो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय गाइस, बारिश हुई है बहुत ज्यादा और अब क्या है ना, अब हम काली टॉप के पास पहुंचने वाले हैं ऊपर और हवा चल पड़ी है बहुत ज्यादा। गाइस सी द व्यू, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वो दिखाओ नीचे, वहां देखो धुंध कैसे उठ रही है। बीसी इस वैली से थोड़ा सा आगे जाओ आप, ये देखो वाह। ये है गाइस, ये मुन्ना जोत है, वो आपका पजाज जोत है। ये सामने वाली ये मुन्ना जोत और ये पजाज जोत। बात करा देखिए पूरे जो पत्ते हैं ना, ऊपर लाहौल में हाइट में मिलता है ये, आई थिंक इधर भी हमें हो सकता है हाइट में मिले, लेकिन बस इसके फूल का रंग अलग है। देखिए ये येलो कलर का होता है वहाँ पे बल्लू, और बिल्कुल पत्ते भी उसकी तरह मैच कर रहे हैं और सुगंध भी है गाइस वैसी। तो बताइएगा क्या ये बल्लू वाला ही फूल हो सकता है कि वेजिटेशन का थोड़ा फ़र्क हो हाइट का, क्योंकि लाहौल एक अल्पाइन रीजन है तो यहाँ में थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क हो। देखिए सो ब्यूटीफुल गाइस, देखिए ओम नमः शिवाय। महादेव के चरणों के लिए हम ये रखते हैं फूल, क्योंकि कहते हैं अगर आपके पास यू नो तीर्थस्थल पे कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है तो केवल यदि आप फूल भी चढ़ा दो तो वो भी एक आपकी जो यात्रा है वो सफल मानी जाएगी। भगवान के चरणों में फूल हमेशा चढ़ा है गाइस, ओम नमः शिवाय। गाइस जल्दी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हवा का रुख थोड़ा सा बदल रहा है। वाह, सो अमेजिंग गाइस, सो अमेजिंग। भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारी यही प्रार्थना थी कि जैसे हम काली टॉप के पास पहुँचे और तो व्यू थोड़ा सा जो क्लियर होना चाहिए था, तो वैसा ही हुआ। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए पूरी हमें सामने की पहाड़ियाँ दिख रही है गाइस। देखिए मुन्ना जोत, सो ब्यूटीफुल, ओम नमः शिवाय। वाओ, सो अमेजिंग गाइस, सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। वो देखिए व्यू, ऑसम। ये देखिए गाइस हमारे साथ कौन है, डीआई साहब देखिए, मुकेश जी हमारे साथ है देखिए, और शिखर यात्रा पर जा रहे हैं। देखो जय भोले, जय भोले, ओम नमः शिवाय, जय शंकर, जय शंकर, गाइस फाइनली ट्री लाइन खत्म। और अब देखिए व्यू चेंज, ये देखिए गाइस, ये बल्लू ही है।
तो मैं इसको वापसी में ना पक्का इसको मैं ले जाऊंगा, पत्तों को भी, क्योंकि पत्ते ना इसके बहुत खुशबूदार है और इससे धूप बनता है गाइस। तो ये देखिए ये फूल, वाह। काली टॉप भी गाइस डंडी धार से कम नहीं है, सीरियसली जितना ऐसा लग रहा है कि पहुंच गया और ऊपर ऊपर जा रहा है। देखिए और यहाँ देखिए यहाँ सिग्नल आ रहा है गाइस, देखिए लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं घर, ये देखिए अपने परिवार को बता रहे हैं कि हम लोग आ गए हैं दर्शन करके। हर हर महादेव। अभी हम लोग थाचड़ू और काली टॉप के बीच में हैं, तो काली टॉप के लिए हमें वहाँ ऊपर पहुँचना पड़ेगा गाइस, लेकिन वहाँ ऊपर से भी अभी बता दिए कितना आगे होगा। और ये देखिए गाइस आई थिंक ये है काली टॉप, यहाँ पर देखिए टेंट लगे हैं ऊपर और ऊपर देखिए ऊपर रास्ता भी नहीं है, तो इट मीन्स कि यहीं से थोड़ा सा अब रास्ता आई थिंक अब नीचे को आएगा रास्ता। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गाइस काली टॉप, तो गाइस लगभग काली टॉप पहुंच गए हैं, मुझे लगा कि यही काली टॉप है लेकिन अभी यहां से थोड़ा सा ऊपर है। बड़े भाई यहां मिले तो वो कह रहे हैं कि 5 मिनट और। ऑसम। वाह वाह। बस गाइस थोड़ा सा रह गया हमारा काली टॉप। बस देखिए सामने शंकर महादेव जी, वो देखिए साक्षात दर्शन दे दिए। तो इसी पल की हमने प्रार्थना की थी महादेव से कि जैसे ही हम काली टॉप पहुंचे तो वैसे हमें दर्शन। और देखिए गाइस बिल्कुल व्यू पूरा क्लियर हो गया, देखिए आसमान क्लियर देखिए, और अदरवाइज इससे पहले इतनी धुंध पड़ी थी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और वो सामने देखिए, तो देखिए सामने वहाँ पर बर्फ की चादर जो जेड जिगजैग बना, देखिए वहाँ देखिए शंकर महादेव। ओम नमः हर हर महादेव। बाप श्रीखंड महादेव, श्रीखंड कैलाश 22 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर चल रहे हैं, 10 किलोमीटर। और देखो वैली नीचे आ रहे, अरे वाह। यहाँ बोलते हैं काली घाटी काली टॉप। हरे हरे शंभु 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 महादेव, शंभु 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 महादेव, हरे शंभु 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 महादेव, शंभु 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 महादेव, हरे शंभु 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 महादेव, शंभु 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 महादेव, कर्पूर गौ। ये देखिए गाइस श्रीखंड कैलाश 22 किलोमीटर। ये भी एक कैंपिंग साइट है,
मे बी आई थिंक एक कुंचा नाम से कैंपिंग साइट आती है आई थिंक, या तो ये वहाँ वाली है ठीक है, वो जो पार है ये कुंचा है, और आगे वहाँ पर उस इन सभी धारों को क्रॉस करने के बाद ना अरे उस गैप में वहाँ है भीमद्वारी, और उसके बाद वहाँ वहाँ देखिए आज का हमारा जो टारगेट है वो है वहाँ जहाँ ये पीले कलर के टेंट्स हैं, ये है पार्वती बाग, क्योंकि पार्वती बाग पहुँचेंगे तभी हम सुबह जो है जल्दी जाके दर्शन करेंगे फटाफट, तो वहाँ पहुँचना गया हमने देखिए।